हाँ तो जैसा कि आजकल बहुत कुछ बदल गया है, जैसे हम पहले रिचार्ज कराने के लिए दुकान पे जाया करते थे, दुकान पे जाके रिचार्ज वाले भैया को बोलते थे रिचार्ज कर दो तो वो रिचार्ज कर देते थे। लेकिन आजकल फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब चीज़ें आ गई है तो हम घर पे बैठ के इनके थ्रू रिचार्ज कर लेते हैं और 5 मिनट भी नहीं लगती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ये फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि हम रिचार्ज भी करते हैं घर पे बैठ के हमारा, तो हम 100 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो आपके फ़ोन में सिर्फ 100 रुपये का रिचार्ज ही आता है। या फिर हम बिजली का बिल भरते हैं, जैसे 2000 का बिजली का बिल आया तो हम उसमें 2000 रुपये भरेंगे तो 2000 तो वो बिजली के बिल के कट जाएंगे, तो उसमें फ़ोन पे और ये सब कंपनियों को क्या मिलता है? तो ये पैसा कैसे कमाती है उसमें? तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा और बहुत ही अच्छा सवाल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मेरा नाम है सिद्धार्थ और आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गूगल पे की। गूगल पे पे आप क्या क्या करते हो? रिचार्ज करते हो, बिजली का बिल भरते हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मान के चलो आपका जो बिजली का बिल है वो है 2000 रुपये का। अब आप पे तो 2000 रुपये ही कर रहे हो, लेकिन उस 2000 रुपये में भी बहुत से लोगों का कट होता है। वो कैसे? जिस कंपनी का बिल आप पे कर रहे हो वो कंपनी गूगल पे या फ़ोन पे को कुछ परसेंट पैसा पे करती है। अब वो कुछ परसेंट पैसे में भी हो सकता है और रुपए में भी हो सकता है। अब वो कंपनी मान के चलो उस गूगल पे या फ़ोन पे को 90 पैसे पे करती है, तो अब आप बोलोगे कि इस 90 पैसे से इन कंपनियों का क्या प्रॉफिट होता है? अभी ये सिर्फ 90 पैसे है, लेकिन अगर यही 90 पैसे लाखों करोड़ों लोगों में जुड़ जाए तो वो कितना अमाउंट हो जाता है? अभी तो ये 90 पैसे, और यही 90 पैसे अगर 2 लाख लोगों में जुड़ जाए तो ये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही काम करती है। अब जो कि आप उनकी ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ऐप के थ्रू पेमेंट करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू कहीं और जाके पेमेंट पे करना। और लोग जो है सहूलियत देखते हैं, जहाँ लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा इजी तरीके से जल्दी पैसे दे सकते हैं तो वो दे देते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी है ये आपको इतने डिस्काउंट कैसे देती है? या फिर ये दोनों जो कंपनी है आपको एनकरेज क्यों करती है कि आप इनके ऐप से ही हमेशा परचेसिंग करो? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि जो आपका फ़ोन है वो आप हमेशा आपके पॉकेट में रहता है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते, आपका जो फ़ोन है वो हमेशा आपके पॉकेट में रहता है। और जो चीज़ हमेशा आपके पास रहती है वहाँ पे परचेजिंग हमेशा बढ़ जाती है। तो ये जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी है ये आपको इसलिए एनकरेज करती है कि आप उनके ऐप से परचेसिंग करो। आप कभी भी लेटे हुए होते या कहीं बैठे हुए होते तो आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट खोल के देख लेते हो, अगर उसमें से कुछ आपको पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हो सहूलियत से। और ये जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी है इनका यही मॉड्यूल है कि आप सहूलियत से शॉपिंग कर सको या आपको कन्वीनियंट तरीके से आप कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी चीज़ आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगाने के लिए या ऑर्डर करने के लिए आपको 10 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़े तो आप नहीं जाओगे, और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा क्योंकि सहूलियत ही नहीं रहेगी, कन्वीनियंस ही नहीं रहेगा उस काम में। तो इन दोनों कंपनियों का या और भी जो ऑनलाइन साइट होता है इनका जो मॉड्यूल होता है वो कन्वीनियंस होता है, यानी कि सहूलियत होता है। और इसी कन्वीनियंस के थ्रू गूगल पे या किसी अदर ऐप से रिचार्ज या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है पे होता है। और इसी कन्वीनियंस की जो फीस होती है कंपनी वाले गूगल पे, पेटीएम इनको एज अ फी कुछ परसेंटेज दे देते हैं। अब बात करते हैं रिचार्ज की। तो जो रिचार्ज होता है पेटीएम या गूगल पे के थ्रू आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो 199 का अगर आप रिचार्ज कर रहे हो तो 199 का पूरा जो रिचार्ज है वो जियो नहीं रखता है, उसमें से 196 या 197 जियो रखता है और जो 2-3 रुपये होते हैं वो गूगल पे या पेटीएम को दिए जाते हैं कुछ परसेंटेज के हिसाब से। और जो 199 का आप रिचार्ज कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि 199 का ही रिचार्ज आपको मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 199 का आप रिचार्ज कर रहे हो सकता है कि वो ही 199 का रिचार्ज जियो को 50 या 60 रुपये में मिल रहा है, और बाकी का जो पैसा बचा वो कहाँ गया? वो होता है उनका प्रॉफिट, जियो का जो प्रॉफिट होता है, जो ये बाकी का जो प्रॉफिट बचा है वो उनके अकाउंट में, यानी कि अंबानी जी अपने अकाउंट में रखते हैं, जमा करते हैं। उनके जो भी होते हैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना और भी जो काम होते हैं वो उसमें होते हैं। तो यही पूरा
बिजनेस मॉड्यूल होता है इनके काम करने का, यानी कि इनके जो प्रॉफिट कमाने का, और इसी तरीके से इनको प्रॉफिट होता है। कोई भी बिजनेस हो उसमें प्रॉफिट होता ही है। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस है ही नहीं। हर बिजनेस में एक प्रॉफिट मोटिव होता है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर चाहे वो गुडविल बढ़ाने में हो, प्रॉफिट मोटिव होता ही है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये गूगल पे है, फ़ोन पे है या पेटीएम, ये पैसा कमाते कैसे है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलर बना के लाता रहता हूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।